रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि के द्वति भाव संबंधी फल बताए जाएंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि धन भाव में हो तो किस प्रकार के फल उसको होंगे, सिर्फ उसी पे ध्यान होगा कि फलित ही बताना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सारावली के चतुर्थ अध्याय में लिखा है, गुरु ज्ञानम गुरु और शनि कालनश्य दुखम, मतलब जो शनि है वो दुख का कारण है और जो गुरु है वो ज्ञान, जो शनि है वो दुख है, जो गुरु है वो ज्ञान है। तो यदि शनि का कारकत्व में सिर्फ ये कहा जाता है कि शनि सिर्फ नाम से ही जाना जाता है, वो श्लोक में कहा शनि सिर्फ दुख है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो निश्चित रूप से जब किसी ग्रह का कारकत्व ही दुख है तो अपने दशा अंतरदशा में जब भी आता है तो फल में दुख देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये अलग मैटर है कि शनि किसी जातक की कुंडली में उच्च का हो तो उस समय उस जातक को कुछ कम तकलीफ हो, लेकिन बेसिकली शनि है दुख का कारण, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। उसका मूल कारकत्व, मूल प्रवृत्ति है टेंडेंसी, और जो टेंडेंसी प्रवृत्ति है जो जिसका जो जो जिस कारण जो जाना जाता है वो तो देगा, तो निश्चित रूप से शनि दुखदायी है, दुख देता है। चलते हैं आगे, और इसमें मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके मत देखेंगे कि वो उन्होंने द्वितीय स्थान पर शनि के क्या बताए हैं, किस प्रकार के फलित हो सकते हैं। यदि शनि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठेगा तो शनि महाराज की तीन दृष्टियां होती है, तो वो पहली दृष्टि तो डालेगा, तीसरी वो चौथे स्थान पर, इसके बाद ये सातवें स्थान पर दृष्टि डालेगा, और इसकी जो है तीसरी दृष्टि होगी यहाँ पे लाभ स्थान पे। जो काल पुरुष का, ये काल पुरुष की कुंडली में शनि इसी दशम राशि का ही हकदार होता है, तो निश्चित रूप से धन स्थान पे यदि वो बैठेंगे तो धन स्थान में भी थोड़ी धन की जो गति है उसमें कमी करेंगे, बहुत तो नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन शनि ऐसे जिस स्थान में धनी बैठा होता है तो धन की जो आवक होती है बहुत कम होती है, मतलब धीरे धीरे होती है लेकिन होती स्थायी है, स्थायी धन आता है। लेकिन शनि यहाँ पे देखेंगे तो लाभ भाव को और बढ़ाएंगे तो एक प्रकार से ठीक है, लेकिन जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया है, जो पुराने टेक्स्ट बुक में जो लिखा है कि यदि शनि इस प्रकार से होगा, दूसरे स्थान पे बैठा होगा तो क्या फल देगा, तो टेक्स्ट बुक में बताया गया है, और टेक्स्ट बुक में ये बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक है, बहुत नामी जो राइटर है उनका ये प्रेडिक्शन है बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, चमत्कार चिंतामणि जो भट्ट नारायण कृत है, बहुत तो फेमस किताब है, उन्होंने लिखा है शनि यदि किसी जाते की द्वितीय भाव में होगा तो सुख लाभ की इच्छा से कुटुंब छोड़कर दूर नगर प्रदेश चला जाता है और सभी सुख उपभोग करता है, ठीक है। इसके बाद वाणी तीखे वचन व्यर्थ कटु भाषण करता है, कटु शब्द बोलता है, लोहे धातु के व्यापार से लाभ, धातु के व्यापार से लाभ, अष्ट धातु का लाभ। देखिए शनि जो दूसरे स्थान में बैठा है तो दुख, दूसरा स्थान कुटुंब स्थान है, ठीक है, ये वाणी स्थान भी है और वाणी का मुख्य कारक होता है बुध, ठीक है, तो ये जरूर देखना होगा आपको कहीं आपकी कुंडली में बुध ना पीड़ित हो, यदि बुध भी पीड़ित हो और शनि वहां बैठा हो तो निश्चित रूप से जो जातक है इतना खतरनाक बोलेगा उसके बोलने से झगड़ा हो जाएगा और बहुत कटु बोलेगा, बोलने से ही झगड़ा होता है और बोलना बहुत बड़ा विवाद का कारण है। आगे चलते हैं, महाराज जीवनाथ ने कहा है कुटुंब परिवार से पृथक होकर परदेश मतलब पैतृक स्थान से दूर सुख भोग करता है, कटु वचन बोलता है, स्वार्थी होता है, इन्होंने भी कहा कि कटु वचन बोलता है। आगे चलते हैं, वरामीर महाराज बोलते हैं द्वितीय स्थान का शनि बहुत धनी होता है किंतु राजा के कोप से निर्धन, मुख के रोग होते हैं, धनी होता है राजा का कोप होता है, ऐसे व्यक्ति को राजा का कोप आज के जमाने में क्या है, या तो कोई सरकार उसे पनिशमेंट कर दे या भारतीय दंड सहित भारत में या दुनिया में कहीं पे भी उसको सरकार दंडित करे, ठीक है, कानून तोड़ने पे। वैद्यनाथ, जातक झूठ बोलने वाला, असत्यवादी, चपल, प्रवासी, निर्धन और ठग होता है, ऐसा वैद्यनाथ महाराज कहते हैं। ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं धन हानिश्च, धन हानि करवाता दूसरा शनि, ओके। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ महाराज कहते हैं दुख देकर धन का नाश करता है। आगे चलते हैं,
इसके बाद जयदेव महाराज करते कहते हैं, जब तक अपने देश में रहता निर्धन, परदेश जाकर धनवान होता है। चलो अच्छी बात है। काशीनाथ महाराज कहते हैं, निर्धन वात पित्त कफ तथा अस्थि रोग से पीड़ित तथा गुणहीन होता है, ये है दूसरा संगी। कल्याणवराव महाराज कहते हैं, जिन्होंने जातक सरावली लिखा है, जातक मुख विकृत होता है। मुख विकृत मतलब देखने में, चेहरा देखने में बहुत आकर्षक नहीं होता, धन का उपभोग करता है, न्यायशील होता है, आयु के उत्तरार्ध में यह परदेश जाता जाता है और वहां पर इसे धन और वाहनों का सुख मिलता है। घर से दूर प्रसिद्धि मतलब सुख समृद्धि। महेश देवक कहते हैं, महेश देवक महाराज ने रणवीर ज्योतिर्निबंध नाम का एक किताब लिखा है, बहुत जोरदार है। यदि उच्च का हो तो, यदि शनि द्वितीय स्थान पे हो, यदि उच्च का हो तो शुभ, अन्यथा व्यसन से पीड़ित होता है। इसके परिवार के लोग इसका त्याग कर देते हैं। उत्तरार्ध आयु में परदेश जाता है, वहां वाहन सुख मिलता है। ओके, राजा की कृपा से राज सम्मान पाता है। चलते हैं आगे। ऋषि गर्ग महाराज कहते हैं, धने मंदे धने हीरों, मतलब लकड़ी कोयला लोहा आदि व्यापार से, बुरे कर्मों से धन मिलता है। नीच विद्या का अभ्यास करता है, बहन बहन की संतति जीवित नहीं रहती है, गर्भपात होता है, घर घर बच्चों की हानि होती है। सोम या मित्र राशि का शनि हो तो अच्छे फल बताए गए। धने मंदे मतलब कुल मिला के ये है कि मंदी रहती है धन की मतलब दरिद्रता बताता है। आगे चलते हैं। धन भाव का शनि मंत्रेश्वर महाराज, जो फलदीपिका के राइटर है, लेखक हैं, बोलते हैं, जातक सुंदर नहीं होता, विमुख होता, चेहरा अच्छा नहीं होता। जातक अन्यायी मार्ग पर चलेगा तथा धनहीन होगा। जीवन के उत्तरार्ध में अपना निवास छोड़कर अन्य निवास में जाकर धन सवारी सुख प्राप्त करेगा। ये बार बार बात आ रही है कि जीवन के उत्तरार्ध में तरक्की करेगा। ठीक है, वृहद यवन जातक ग्रंथ है, उसमें के राइटर कहते हैं, यदि दूसरे भाव में शनि हो तो दूसरों के घर में रहता है, विपत्ति से पीड़ित, लोग इसे अपने से अलग कर देते हैं, छोटे भाई नहीं होते। जीवन के उत्तरार्ध में विदेश जाकर यह व्यक्ति सुखी होता है। फिर वही बात, जीवन के उत्तरार्ध में ढूंढी राज, घर नहीं होता, वह दूसरों के घर में रहता है, विपत्तियां इसका पल्ला नहीं छोड़ती, इसका बंधुवर्ग इसको अपने से पृथक कर देते हैं, भाइयों से भी नहीं पटती। जागेश्वर महाराज कहते हैं, सुखहीन कष्ट मिलता है, वचन कटु, लोहे का व्यापार से धन मिलता है, इसे शत्रु भय नहीं होता। ओके, खानखाना अब्दुल रहीम खानखाना साहब कहते हैं, द्वितीय स्थान का शनि सर्वदा दुखी, तंग, खराब हालत, क्रोधी, निर्धन और परदेश में रहने वाला होता है। आगे। ओके, खानखाना साहब तक हो चुका है, अब चलते हैं। भृगु सूत्र में कहा गया है, भृगु सूत्र, भृगु ऋषि ने कहा है, द्वितीय शनि धनहीन, इसके दो विवाह होते हैं, आंखों के रोग होते हैं, मठाधीश हो सकता है। शनि यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो स्त्रियों को ठगने वाला होता है। पाश्चात्य मत में कहा गया है कि धनहानि और व्यापार में घाटा होता है दूसरे शनि से। ठीक है, आगे चलते हैं। और चमत्कार चिंतामणि में विचार और अनुभव राइटर ने दिया है, बोलता है कि वृष कन्या मकर का शनि पूर्वार्जित संपत्ति नहीं होती है तथा उसका उपयोग नहीं होता है। जातक अपने श्रम तथा निज उद्योग से उपजीविका चलाता है, विवाह एक ही होता है। अब जातक का व्यवहार, घर के लोगों से जब दूसरा शनि होता है तो चमत्कार चिंतामणि के लेखक कहते हैं, इस प्रकार का व्यवहार जातक का होगा, घर के लोगों से, दूसरा शनि के बारे में, घर के लोगों से मुसाफिरों जैसा बर्ताव, घर के कामों ऑब्लिक घर के लोगों की तरफ निरपेक्ष होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति घर में तो रह रहा है लेकिन घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं, बात हॉस्टल जैसे। ठीक है, लगन सार कैसा का और बताया है, लगन लगन उसकी क्या रहती है, मतलब उसका इंटरेस्ट क्या होता है, जिसका दूसरा शनि होता है, जब घर के लोगों प्रति ध्यान तो नहीं है, तो बाहर ध्यान है उसका, कैसा बाहर ध्यान है, पॉजिटिव है। सार्वजनिक और राष्ट्रीय कामों में खूब इच्छा रुचि लेता है, ये लोग हट्टी और दुराग्रही होते हैं, इन्हें अपने खाने पीने में कपड़े की भी फिक्र नहीं होती, सार्वजनिक राष्ट्रीय कामों में खूब रुचि लेते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कुल मिला के एक सोशल सोशल सामाजिक बात हुई। और आगे बताया है कि मेष लगन मिथुन मेष मिथुन और सिंह धनु सिंह मेष मिथुन सिंह के धनु किसी जातक के हों तो दो विवाह होते हैं, सम्मान खूब लेकिन धन संचय नहीं होता है। भोजन भट्ट मतलब खूब खाने वाला होता है, मीठा बोलकर काम निकाल लेते हैं, पत्नी से विमुख रहते हैं, घर पर विवाद होता है, व्यापार ठीक चलता है।
इस तरीके का ये बताया है। इसके बाद जिस जात तक का यदि शनि तुला तथा कुंभ में हो तो द्विभार्य योग नहीं होता, ये भी बताया है। तुला और कुंभ अच्छी, तुला उनका उच्च हो गया शनि महाराज का, और कुंभ जाति मूल त्रिकोण कहलाई, तो ऐसा शनि द्वितीय स्थान पे हो तो द्विभार्य योग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बता धन धनी धन का शनि, धन का धनु का शनि, सॉरी धन स्थान पे यदि शनि हो तो धन के मैटर पे क्या बताया है, ये बताया है कि व्यापार वो कैसा करे, लकड़ी कोयला लोहा खनिज पदार्थ धातु पत्थर चूना बालू का व्यापार कर सकता है। एक खास बात ये है कि शनि की जो दृष्टि होती है विस्मयी होती है, ठीक है, मतलब नकारात्मक होती है। जिस स्थान पे शनि होते हैं उसके सुफल होते हैं सामान्यतः है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है तो वहां के भी नेगेटिव होते हैं जहां शनि बैठते हैं। फलदीपिका में मंत्रेश्वर महाराज ने कहा कि शनि जिस भाव में हो या जिस भाव को शनि देखता है उस भाव की न्यूनता होती है, ठीक है, जहां हो और वहां पर दृष्टि भी डाले वहां का भी नुकसान, लेकिन आगे कहा है किंतु शनि की तृतीय दृष्टि और नवम को देखें तो उस भाव की प्रबलता होती है। ठीक है, मतलब शनि तीसरे भाव को देखें, तृतीय भाव या नवम भाव को, भाव बोला है, ठीक है, दृष्टि नहीं, शनि तीसरे भाव को या नवम भाव को कहीं भी बैठे तीसरे नवम को भाव को देखते हैं तो प्रबलता होती है, इस प्रकार से बताया गया है। आप लोगों से निवेदन ये है कि ये शास्त्रीय किताबों के एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि कुंडली जब आप देखी जाती है तो उसमें बकायदा लग्न होती है और शनि जब यहाँ बैठा है तो वो किसी राशि में बैठता है, ठीक है, एक से लेके 12 तक राशियाँ होती है, सभी राशियों का अलग अलग फल होता है। हो सकता है शनि यहाँ हो इसके साथ गुरु बैठ जाए, या फिर यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ जाए शनि को, या यहाँ से गुरु महाराज की दृष्टि पड़ जाए, है ना, या फिर यहाँ पे गुरु हो जाए शुक्र हो जाए तो निश्चित रूप से जो है या बुध हो जाए तो बदल जाते हैं, बहुत सारे जो फलित हैं वो बदल जाते हैं। तो आपको इस विषय में ध्यान रखना होगा कि जो बात बताई गई है उसको एज इट इज शब्द को सहित नहीं लेना होगा, क्योंकि 3000 साल पहले लिखे ये ग्रंथ है, वर्तमान में और आज में बहुत परिवर्तन हुआ है। आपने जब शास्त्रीय किताबों का अध्ययन करेंगे टेक्स्ट बुक का, तो आप देखोगे तो कई जगह चंद्रमा की अरिष्टि लिखा है, छठा चंद्रमा तो बाल अरिष्टि, आठवां चंद्रमा बाल अरिष्टि, बारहवां चंद्रमा बाल अरिष्टि। अरे पहले जब बच्चे होते थे तो बच्चे इसलिए खत्म हो जाते थे कि टीकाकरण नहीं होता था, बच्चों की साइंस के इतना डेवलप नहीं थी बच्चों के, अब तो तरह तरह के टीके हैं, अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा किसी बात को लेकर डेथ कर जाए, क्यों, अब तो डॉक्टर ने और साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि बच्चा बीमार भी है तो उसको जीवित सुधारा जाता है, उसको ठीक ठाक करके जीवित रखा जाता है। तो इस तरीके का बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो आपको थोड़ा संशोधित रूप में इसको लेना चाहिए, बिल्कुल शब्दों को एक एक शब्द जो बताया गया है उसको अपने पे लागू नहीं करना चाहिए और नेगेटिविटी से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शनि के जो फल है उसकी राशि के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं, ग्रहों की दृष्टि के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।